पिछला वर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे फ्रूट के बारे में, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, एप्पल सबने खाया है ना? हाँ, तो आज हम एप्पल को स्केच करना और उसे कलर करना आपको बताएंगे। तो उठाइए कॉपी और पेंसिल और जल्दी से मेरे साथ आप भी बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे ऊपर में लाइन को, ठीक इस तरह हल्का शेड देते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, दोनों को बिल्कुल एक समान। ठीक है, इस तरह ले जाने के बाद ये लाइन हमको बनानी है। ठीक है, इसको बना लिया। बनाने के बाद धीरे धीरे इसको तरह लेकर नीचे की ओर आना है और नीचे थोड़ा हमें पतला करते जाना है। ठीक है, नीचे थोड़ा पतला करते हुए इसको अंदर की ओर टर्न करके छोड़ देना है। फिर इस वाली लाइन पे हमें लेना है और फिर इस तरह लेके आते हुए ये अंदर की ओर थोड़ा पतला भाग लेकर आते हुए और इसे यहाँ टर्न कर देना है। ठीक है, सबने बनाया ना, बहुत ईजी ना। हाफ इधर से बनाना है और हाफ इधर से बनाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस तरह हमें दो लाइन इस तरह देनी है और यहाँ पर हमें थोड़ा करेंगे हम इसे एज और यहाँ से हम बनाएंगे इसके एप्पल इधर लगा होता है छोटा सा इस तरह। ये एप्पल हमने एप्पल का पिक्चर को क्या किया है, एप्पल के पिक्चर को हमने बनाया। ठीक, जिस तरह हमने बहुत सुंदर से इसको बना लिया है। ठीक है, बहुत इजी है और इसको हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम इसे रेड कलर और येलो कलर, ठीक है, रेड कलर और येलो कलर से हम इसको कलर कर सकते हैं। कलर आप कलर पेंसिल भी यूज कर सकते हो, वैक्स कलर भी यूज कर सकते हो, ऑयल पेस्टल जिसके पास ऑयल पेस्टल है वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसकी आउटलाइन को हम क्या कर देंगे, आउटलाइन को आउटलाइन को हम डार्क करेंगे ना, आउटलाइन को हम व्हाइट से भी डार्क कर देंगे। और इसके तने को हम ग्रीन कलर में इस तरह ये एप्पल का पिक्चर हमने बना लिया है, कंप्लीट हो गया है। आप ही जिस तरह के मैंने बताया हुआ है पिक्चर को बनाइए, कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय बाय किड्स।